आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल ये है बच्चों के, एक 10 माइक्रोफेरड धारिता का संधारित 10 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़ा हुआ है। हटाए बिना संधारित्र के प्लेटों के मध्य भाग में प्राविद्युतांक K4 भर दिया जाए तो ज्ञात कीजिए। पहला, आवेश प्राविद्युतांक भरने से पहले और आवेश प्राविद्युतांक भरने के बाद, पेश किए जाने के बाद का मतलब है बच्चों, उसके अंदर भरने के बाद। तो ध्यान से देखिए बच्चों इसका हल। सबसे पहले हम लोग A को करते हैं, ठीक है। A के अंदर क्या है, पेश किए जाने से पहले। तो बच्चों हमारे पास में जो C1 बोल देता हूँ मैं इसको, वो कितना हो जाएगा, वो होता है हमारे पास में Q बराबर C बराबर Q इंटू V के होता है, ठीक है। तो ध्यान से अच्छा सी जो बोलो क्यू अपॉन बी होता है ना, ये कितना होता है, अच्छा सी पहले लिख लेते हैं। C1 हमें दी गई है वो है 10 माइक्रो फेरड, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 × 10⁻⁶ फेरड के बराबर है ना। और क्यू बराबर क्या होता है हमारे पास में, वो होता है C1V, ठीक है। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, C1 कितना है 10 × 10⁻⁶, और V कितना है बच्चों हमारे पास में 10 वोल्ट, तो ये 10, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में, तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा, ध्यान से देख। अच्छा, ये 10 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी से जुड़ा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो है, एक तो ये है 10 × 10⁻⁶, तो ये हो गया, और ये जो है 10 से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास 100 × 10⁻⁶ कूलाम के बराबर, यानी कि क्यू बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻⁴ कूलाम, ठीक है बच्चों। ये तो हमारे पास में ए हो गया, ठीक है। और अगर ये वाला हमारे पास में है बी, ठीक है, बी के अंदर जब उसके अंदर हमने क्या भर दिया बच्चा, ये पराविद्युतांक भर दिया, तो ये जो सी टू हो जाएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, जितना भरा जा, ये होता है हमारे पास में के है ना, और सी वन के बराबर, यानी कि उतने ही गुना बढ़ जाती है। तो सी टू बराबर हमारे पास में कितनी हो जाएगी, ये हो जाती है मेरे पास में सी टू बराबर ये के है ना, और सी वन कितना है हमारे पास में, हाँ सी वन कितना है, C1 जो है हमारे पास में वो है 10 माइक्रोफेरड, ठीक है। तो ये 10 माइक्रोफेरड हो गया, ठीक है। और K कितना है हमारे पास में, यानी कि C2 बराबर K है 4 × 10 माइक्रोफेरड, यानी कि 40 माइक्रोफेरड, तो ये हो गया। तो Q बराबर कितना होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, तो यहाँ पर Q बराबर C कितना है आपकी बार, ये C2V, ठीक है। तो Q बराबर C2 है मेरे पास में 40 × 10⁻⁶, ठीक है, और इंटू वी कितना है बच्चों हमारे पास में, वी तो इतना का इतना ही रहेगा, हाँ कितना 10 वोल्ट, तो ये 10, तो ये कितना हो गया मेरे पास में, ध्यान से देखो क्यू बराबर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में 400 × 10⁻⁶, ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 4 × 10⁻⁴ और कूलाम के बराबर। ये दोनों के दोनों इसके उत्तर हो जाएंगे बच्चों। और जहां तक आई थिंक इस वाले सवाल में इस जगह पर जो है बच्चों 20 होना चाहिए था, और अगर यहाँ पर 20 होता यानी कि 20 होता, तो यहाँ हम लोग 20 से गुणा कर देते, और 20 से गुणा कर देते तो यहाँ पर ये आ जाता 2 × 10⁻⁶, यहाँ 20 होता तो 200 × 10⁻⁶ हो जाता, तो 2 × 10⁻⁴ आ जाता, ठीक है। तो आप उससे भी यह वाला सवाल कर सकते हो बच्चों आसानी से, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर 10 की जगह यहाँ पर 20 आ जाता, तो यहाँ पर 8 आ जाता, ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ से जस्ट डबल हो जाता ना, तो 2 से गुणा हो जाता तो ये 8 आ जाता, तो यहाँ 8 × 10⁻⁴ हो जाता उस वक्त में। लेकिन यहाँ पर जो हमारे को ये दी गई है, तो इसकी वजह से हमारे पास में यही उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।